नमस्कार, आज इंडस्ट्रियल सेफ्टी के दूसरे एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडस्ट्रीज को रिलेट करते हो और मेरी चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। MSDS के इंडियन स्टैंडर्ड में 10 सेक्शन होते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 16 सेक्शन होते हैं। इंटरनेशनल सेक्शन में जो कंटेंट होता है वही कंटेंट सेम इंडियन स्टैंडर्ड में होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कुछ टर्म्स रिपीट होते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशन को अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है। जैसे इंडियन MSDS स्टैंडर्ड में सेक्शन 1 है, उसे इंटरनेशनल फॉर्मेट में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड किया गया है, और ऐसे और भी छोटे बड़े चेंजेस हैं, पर कंटेंट दोनों में सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, केमिकल आइडेंटिटी। इस सेक्शन में केमिकल का IUPAC नाम, फॉर्मूला, सिनेनंस मतलब उसका कोई और केमिकल नाम है तो उसका ट्रेड नेम, केमिकल का क्लासिफिकेशन मतलब वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, टॉक्सिक, पॉइजनस, कॉरोजिव, रिएक्टिव, इन्फेक्शनस, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग या रेडियो एक्टिव, इसमें से जो भी उसका क्लासिफिकेशन है वो। केमिकल का कोई रेगुलेशन है तो वो, उसका शिपिंग का नाम, कोड्स और लेबल्स, उसके बाद उसका CAS नंबर मतलब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर, जो हर केमिकल का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, ये सब सेक्शन 1 में लगाना पड़ता है। UN नंबर, यूनाइटेड नेशंस कमिटी और एक्सपर्ट्स ने केमिकल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स और उस टाइम पर होने वाले स्पिलेज और लीकेज को हैंडल करने के लिए हर केमिकल को 9 क्लास में डिवाइड किया गया है, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ADR नंबर्स, ADR नंबर्स का फुल नेम है एग्रीमेंट कॉन्सर्निंग कैरियज ऑफ डेंजरस गुड्स बाय रोड। यह एग्रीमेंट 19 यूरोपियन कंट्रीज ने जिनीवा में किया था। हैसकैम नंबर, EAC नंबर, हैसकैम नंबर को EAC नंबर मतलब इमरजेंसी एक्शन कोड के नाम से भी जाना जाता है। यह कोड हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ऑफ UK ने कंफर्म किया है। इसमें एक नंबर होता है और उसके पीछे एक या दो अल्फाबेट होते हैं। नंबर 1 से 4 तक होता है जिसमें एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्लासिफाइड है और अल्फाबेट रेस्क्यू पैटर्न कंटेन करता है। हैजार्डस वेस्ट ID, इंडियन गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6, 8 एंड 25 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 26 रूल्स, 7 शेड्यूल्स और 16 फॉर्म्स कंटेन है, जिसके तहत केमिकल डंप और डिस्पोज करने के लिए उसका केमिकल पैटर्न ID इशू कराना पड़ता है। और लास्ट है हैजार्डस इंग्रेडिएंट्स और उसका कैश नंबर। अगर कोई प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल के ट्रेसेस है तो उसका कैश नंबर सेक्शन 1 में मेंशन करना मैंडेटरी है। यहाँ पर सेक्शन 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने टोटल 13 चीज़ें देखी। सेक्शन 2, फिजिकल एंड केमिकल डेटा, जिसमें पहले है अपीयरेंस, स्टेट एंड ऑर्डर। अपीयरेंस मतलब केमिकल का कलर, स्टेट मतलब उसका फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ऑर्डर मतलब स्मेल। इसके बाद है केमिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, pH, स्क्रबिंग, न्यूट्रलाइजिंग और इनएक्टिवेटिंग मीडियम, ये सब चीज़ें सेक्शन 2 में मेंशन करना मैंडेटरी है। सेक्शन 3, फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड। सेक्शन 3 में सबसे पहले है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब लो टेम्परेचर जहाँ पर केमिकल वेपराइज होना चालू हो जाता है और यह वेपर एक वेपर क्लाउड जनरेट करता है जो स्पार्क होने पर फायर हो जाता है। फ्लैश पॉइंट क्लोज कप और ओपन कप में मेजर किया जाता है। यहाँ पर क्लोज कप की वैल्यू ओपन कप से कम होती है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वह टेम्परेचर जिस पर फ्लूड सोर्स ऑफ इग्निशन के बिना फायर हो जाता है। फ्लेमेबल लिमिट्स, LEL, UEL, कोई भी फ्लेमेबल फ्लूड अगर बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होगा या बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो वह फायर नहीं होगा।
कोई भी चीज़ के फायर होने के लिए मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है, उसे कहते हैं लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। अगर कॉन्सेंट्रेशन LEL से कम है तो फायर की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कोई भी फ्लेमेबल फ्लूड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वह फायर नहीं होगा। हर फ्लूड का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो फायर पॉसिबल नहीं है, जिसे कहते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट UEL। किसी भी फ्लूड में फायर होने के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन LEL और UEL के बीच में होना ज़रूरी है। TDG फ्लेमेबिलिटी। TDG का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। TDG फ्लेमेबिलिटी 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला है फ्लेमेबल गैसेस, दूसरा है फ्लेमेबल लिक्विड, तीसरा है फ्लेमेबल सॉलिड, कॉम्बस्टिबल मटेरियल, पांचवा है मटेरियल विच गिव्स ऑफ अ फ्लेमेबल गैस ऑन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। एक्सप्लोजन सेंसिटिविटी टू इम्पैक्ट। कोई भी मटेरियल प्रेशर या इम्पैक्ट पर अगर एक्सप्लोड हो जाता है तो वह इस सेक्शन में मेंशन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल बेंजोइल पेरोक्साइड। एक्सप्लोजन सेंसिटिविटी टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सेंसिटिव है तो उसे भी इस सेक्शन में मेंशन करना जरूरी है। अगर मटेरियल एक्सप्लोजिव है, पायरोफोरिक है या मटेरियल फ्लेमेबल है तो वो भी इस सेक्शन में मेंशन करना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स 1989 शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल फ्लैम, हीट या फोटोकेमिकल कंडीशन के अंडर फायर हो जाता है या फिर शॉक सेंसिटिव या इलेक्ट्रिक सेंसिटिव मटेरियल है तो उसे MSDS सेक्शन 3 में मेंशन करना मैंडेटरी है। पायरोफोरिक मटेरियल। पायरोफोरिक मटेरियल मतलब कोई भी केमिकल जो 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पॉन्टेनियसली फायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल टिटेनियम डाइक्लोराइड और फॉस्फरस। पायरोफोरिक मटेरियल को इनर्ट गैस या केरोसिन में स्टोर किया जाता है। हैजार्डस कंबशन प्रोडक्ट्स। जब कोई भी फ्लूड बर्न होता है तो वो डीकम्पोज होके जो भी हैजार्डस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है तो वो भी सेक्शन 3 में मेंशन करना जरूरी है। हैजार्डस पॉलीमराइजेशन। कोई भी पॉलीमर बनने से पहले वो मोनोमर स्टेट में होता है। मोनोमर्स में चेन रिएक्शन होके वह पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दरमियान केमिकल में हीटिंग, प्रेशराइज या एक्सप्लोजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल विनाइल क्लोराइड लाइट, एयर या हीट के प्रेजेंस में रैपिडली पॉलीमराइज हो जाता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए उसमें इनहिबिटर्स मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड किया जाता है, जिससे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टॉप या स्लो हो जाती है। कोरोसिव मटेरियल। वह मटेरियल जो मेटल या ह्यूमन टिश्यू को कोरोड करे, जिससे स्ट्रक्चर या कंटेनर वीक हो सकता है या ह्यूमन स्किन, आईज या बॉडी पार्ट को इफेक्ट करे, जैसे कि एसिड, हैलोजन गैसेस, क्लोराइड्स, कॉस्टिक और फिनोल, ऑक्सीडाइजर एंड पेरोक्साइड। कोई भी फ्लूड जो रूम टेम्परेचर पर या स्लाइड हीट करने पर ऑक्सीजन लिब्रेट करता है। ऑक्सीडाइजर में पेरोक्साइड, क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स, नाइट्रेट्स और परमैंगनेट्स हैं। ये केमिकल्स रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में आने से वायोलेंटली रिएक्शन करता है और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अनस्टेबल होते हैं। जब वो डिकम्पोज होता है तो यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जो बहुत भारी मात्रा में हीट रिलीज करता है। यहाँ पर हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं MSDS सेक्शन 4। सेक्शन 4 रिएक्टिविटी डेटा। इसमें सबसे पहले है केमिकल स्टेबिलिटी। कोई भी स्टेबल कंपाउंड इजीली डिकम्पोज नहीं होता है या कोई भी रिएक्शन क्विकली नहीं करता है। केमिकली अनस्टेबल कंपाउंड नॉर्मल टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज, पॉलीमराइज, फायर या एक्सप्लोड हो सकता है। केमिकली अनस्टेबल कंपाउंड को स्टोर करने के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो उसके कंट्रोल रेमेडीज भी MSDS सेक्शन 4 में मेंशन करना जरूरी है। इनकॉम्पिटिबिलिटी। इनकॉम्पिटिबल केमिकल मतलब कोई भी केमिकल्स को साथ में रखने से वह वायोलेशन क्रिएट करता हो तो उसे इनकॉम्पिटिबल केमिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोल्यून को एसिड
प्लास्टिक और रबर के साथ रखने से वह वायोलेंटली रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी, कोई भी दो केमिकल्स मिक्स होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। केमिकल्स एयर या पानी के साथ मिक्स होकर ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है। अगर कोई रिएक्शन हैजार्डस है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस एयर के साथ प्रोसेस होकर फॉस्फरस ऑक्साइड बनाता है जो हैजार्डस है, ऐसे हैजार्डस प्रोसेस को MSDS सेक्शन 4 में मेंशन करना जरूरी है। मटेरियल रिएक्टिविटी और उसके हैजार्ड जैसे फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक रिलीज और वायोलेंट रिएक्शन को MSDS सेक्शन 4 में मेंशन करना जरूरी है। हैजार्डस रिएक्शन प्रोडक्ट्स, अगर केमिकल रिएक्शन के दरमियान हाईली पॉइजनस प्रोडक्ट्स जैसे कि सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो इसे MSDS सेक्शन 4 में मेंशन करना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर MSDS पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे चेक करें या आप उसको एंड स्क्रीन एनोटेशन पर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।